Hello friends, welcome again to VIPS group of institution. In this tutorial, video tutorial, we'll discuss about the B.Ed. B.Ed kya hai? Bachelor in Education. Bachelor in Education program jo hai, basically program design kiya gaya hai for preparing the students, teacher. Like unko ek 6th to 8th class tak ke teacher banane ke liye ek module taiyar kiya hai jise naam diya gaya hai Bachelor of Education. Agar kisi ne graduation ke baad mein B.Ed kiya hai jo ki ab 2 saal ka program ho gaya, 2 year program ho chuka hai. Till 2015 ye 1 year program hua karta tha, ab 2 year program kiya gaya hai, to 2 saal tak ये बच्चा जो है एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ता है. टीचर जिस फील्ड में वो बनना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं 6th से लेकर 8th या 6th से लेकर 12th तक में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाते हैं टीचर्स. दैट मींस कि एसएसटी, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बिफोर दिस 5th क्लास तक या फर्स्ट सेकेंड क्लास में मदर टीचर्स का प्रोविज़न होता है. लेकिन 6th टू 12th तक में सेपरेट हो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज. इसी तरह से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक टीजीटी एंड पीजीटी. टीजीटी टीचर्स जो होते हैं, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं, वो 6th क्लास से 8th क्लास तक के टीचर बनते हैं. यानी कि जो बच्चा ग्रेजुएट है और उसने आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड किया है, वो टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है. पर जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है टिल 6th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए. यानी कि वो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि 9th से लेकर 12th क्लास तक के टीचर को के लिए भी वो एलिजिबल होता है. नाउ वी कम टू द लाइक, आप बीएड करना चाहते हैं, आप कहाँ से कर सकते हैं बीएड, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं. देखिए, हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएड कराती हैं. दिल्ली में जैसे आईपी यूनिवर्सिटी भी निकालती है फॉर्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी निकालती है फॉर्म, ठीक है. हरियाणा में जैसे इस समय करीबन 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके बीएड कंडक्ट करवा रही हैं अब, और उन 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत जो है कॉलेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, और वो हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. इसी तरह से राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट कराती है. एक स्टेट के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़, 3 यूनिवर्सिटीज़ भी बीएड कंडक्ट करा सकती हैं, ठीक है. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर स्टेट में बीएड हो रहा है, और हर स्टेट की, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ जो है बीएड कराती हैं. तो अगर कोई बच्चा टीचर एज अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं. बेसिकली क्या होता है कि एक रेगुलर प्रोग्राम है ये, और वही 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है. 3 स्टेप्स, दैट मीन्स वी कैन से कि एक तो प्रैक्टिकल, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, थियोरटिकल नॉलेज होगा क्योंकि उसकी फाइल्स बनती है, दैट्स वाई अंडरस्टैंड वो कर पाता है लेसन प्लान्स क्या हैं, उससे रिलेटेड एजुकेशनल रिलेटेड फाइल्स क्या होती हैं, पोलियो वैक्सीनेशंस का, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का एक मॉड्यूल होता है प्रैक्टिकल्स में क्या क्या कवर करवाना है. बिकॉज एज अ टीचर आपको एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आपका फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आपका आर्ट हो, दैट शुड बी ग्रेट. तो एक टीचर जो होती है वो कंप्लीट पैकेज होती है एजुकेशन के. तो उस बीएड के करिकुलम में आपको एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, आपको कंप्यूटर भी, क्योंकि इस समय इम्प्लीमेंट हो चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ चुके हैं. तो अब ये मॉड्यूल 2 साल के अंतर्गत आपको यही सब चीज़ें कवर अप कराई जाती हैं, यानी कि आपके एजुकेशनल रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड टीचर जिस सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हैं. टीचर जिस सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हैं, दैट मींस कि आप लाइक इंग्लिश के, अगर आपने एसएसटी, सॉरी बीए किया है, तो बीए में आपने जनरल प्रोग्राम किया है, सो यू कैन गो अहेड विद द एसएसटी एज अ सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट. एक लैंग्वेज मैंडेटरी होता है, तो कुछ लोगों ने जैसे वोकेशन किया है, म्यूज़िक के अंदर बैचलर प्रोग्राम किया है, या फाइन आर्ट में बीए इन फाइन आर्ट किया है, तो वो लोग जो है अपना सब्जेक्ट जो है टीचिंग सब्जेक्ट फ़ाइन आर्ट भी ले सकते हैं, म्यूज़िक भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में उर्दू है. और अदरवाइज़ अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है, तो यू कैन टेक द लैंग्वेज जो कि इंग्लिश या हिंदी में से होता है. आपके पास अगर मैथ्स है 3 ईयर पूरा, 3 साल अगर आपके पास मैथ्स है, तो आप मैथ्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ और है जो बच्चा सिर्फ टीजीटी लेवल का है.
अगर सपोजली उसने बीए इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है, सो डोंट टेक लाइक इकोनॉमिक्स एज योर टीचिंग सब्जेक्ट, टेक एसएसटी एज योर टीचिंग सब्जेक्ट, बिकॉज आप 6 to 8 क्लास तक में कोई भी इकोनॉमिक्स सेपरेटली नहीं पढ़ाते हैं. इकोनॉमिक्स कब आता है? लाइक 9th, 10th, 11th, 12th में आपका सेपरेट सब्जेक्ट आता है. तो यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप अपने टीचिंग बीएड के दौरान में टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो आप उस क्लासेस के इकोनॉमिक्स के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. बट अगर आप अभी सिर्फ ग्रेजुएट हैं और जनरल बीए हैं या बीए इकोनॉमिक्स भी हैं, तो आप अगर एसएसटी लेंगे तो आप बीएड करने के बाद 6 to 8 क्लास तक के एसएसटी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. सो दिस इज़ द प्रोविज़न. लाइक इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर का भी है, जैसे किसी ने बीसीए किया हुआ है तो वो भी कंप्यूटर ले सकता है, और बीएससी आईटी किया है उसके पास सपोजली मैथ्स है और कंप्यूटर भी है तो वो अपना सब्जेक्ट मैथ्स एंड कंप्यूटर भी ले सकते हैं. तो इस तरह से ये आपको प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं कि कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. आप लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं, टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, वो सारा गाइडलाइंस उसी की यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में बहुत आसानी से मिल जाएगा. बट द कंडीशन इज़ दैट कि लाइक फॉर्म जो निकलता है, लाइक ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन मोड पे निकाल चुकी हैं. जैसे कि हरियाणा की, जैसे इस बारी आप देख रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिनकी जो है ये कंडक्ट कर रही है काउंसलिंग, ठीक है. और यहाँ पे आप एडमिशन शेड्यूल्स देख सकते हैं कि 29 से स्टार्ट हो चुका है. 29 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है, देन मेरिट लिस्ट होगी. तो हर एक कॉलेज की अपनी एक मेरिट, हर एक यूनिवर्सिटी की एक अपनी मेरिट लिस्ट होती है. हर कॉलेज वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है. और काउंसलिंग क्या होता है, ये कंप्लीट काउंसलिंग करा रही है यूनिवर्सिटी, मतलब जितनी. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि 17-18 का सेशन है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम हरियाणा की बात करें तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी चौधरी रणवीर सिंह के साथ कोलैबोरेट हो गए. मतलब ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंतर्गत जितने कॉलेजेस हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूट इसमें किए हुए हैं. जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा की भी है जो कि बीएड कंडक्ट करा रही है. दीनबंधु गुरु जम्बेश्वर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रिवाड़ी की, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा की, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर की, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेल्फ अनाइन सिंह के जो कॉलेजेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्योंकि हाई मेरिट जाती है. तो ये सारी लिस्ट में आप देख रहे हैं कि कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है. और इसी तरह से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है. चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कितने कॉलेजेस हैं, और दीनबंधु छोटू राम में कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है. गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि कंडक्ट हो रही है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रिवाड़ी की जो है कंडक्ट कर रही है काउंसलिंग, ये सारे कॉलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी वाइज. या कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हो गए जैसे सूर्या कॉलेज ये सब, और आप इसमें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, ये आप पूरी लिस्टिंग देख रहे हैं. और अप्रॉक्सीमेटली ये जो कॉलेजेस की लिस्ट, अगर ये एक YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नई आई है फरीदाबाद की, तो इसकी भी आपने देख लिया. एंड जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जो कि बीएड कंडक्ट कर रहे हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ कॉलेजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी में 50 किया है, किसी में 40 किया है आप. लेकिन कंडक्ट कौन करा रहा है, कॉमन जो फॉर्म निकाला हुआ है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है, और इसी के थ्रू सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग कंडक्ट. फॉर्म क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड से ही बच्चा अप्लाई कर सकता है. कंडीशन वही है कि 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका लॉगिन आईडी क्रिएट होगा, चलान होगा, चलान निकलता है, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं. 1000 रुपये का है, लेट फीस के साथ में है. जनरल कैटेगरीज़ के लिए 625 है, लेट फीस अगर लगती है तो वो एडिशनल लगेगा, ठीक है. तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी पहले सारी, लेकिन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नेम, रोल नंबर, 10th का 12th का डॉक्यूमेंट का, जितने भी सारी चीज़ें हैं सभी चीज़ें आपको करेक्टली चेक करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ जो फॉर्म अगर ऑनलाइन गलत होगा तो आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, ठीक है. इसमें एडिट करने का ऑप्शन आता है, और इसमें क्या होता है, चॉइस फिलिंग होती है, कॉलेजेस की चॉइसेस डाली जाती हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे बीएड की काउंसलिंग इस समय चल रही है, 2 ईयर प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम है. कुछ कॉलेजेस जो है इसको इंटीग्रेटेड के फॉर्म में भी लेते हैं, यानी कि 3 ईयर रेगुलर प्रोग्राम के फॉर्म में. जैसे 1 ईयर जो है स्कूल में आपको एज अ इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड
प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कि पढ़ाना पड़ता है, दैट्स इट. सो काउंसलिंग कंडक्ट. देखिए यहाँ पे वैकेंसीज़ अगर आप देखें, TGT या PGT की बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं. गवर्नमेंट भी निकालती है, KV संगठन निकालता है, और आपका UPSC निकालता है, मतलब कई सारे लोग हैं जो कि निकालते हैं, MCD, NDMC, पब्लिक स्कूल्स भी निकालते हैं, जैसे दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड में भी आपकी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, असिस्टेंट टीचर की, आपकी HP TET क्लियर हो किसी का. तो इस तरह से सैनिक स्कूल्स वगैरह या कोई भी आपके नियर बाय. NCT ही क्या होता है, ये NCT बेसिकली क्या है, जितने भी आपके एजुकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, नेशनल आपका एक पोर्टल है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, जो सभी टीचर एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उससे रिलेटेड नॉर्म्स, रेगुलेशन, कंडीशंस, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, एवरीथिंग जो है ये निकालते हैं. तो हर साल ये अपडेट होता है, गजट निकालते हैं, ठीक है. तो जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ काम कर रहे हैं टीचर के रिलेटेड, तो ये सभी चीज़ जो है NCTE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम चल रहा है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1st to 5th के लिए 50% रिक्वायरमेंट है टीचर की, जो और जिसने डिप्लोमा प्रोग्राम किया हुआ हो, ठीक है. और अभी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ इसमें चेंजेस भी किए जा रहे हैं. इवन एक B.Ed नाम से भी प्रोग्राम होता है जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसमें भी 50% मांगा है, जो कि आफ्टर 12th होता है और 4-year प्रोग्राम होता है. और अगर JBT की बात करें, डाइट की, हम ऑलरेडी अपने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपके 50% होने चाहिए 12th में. अगर आप 6th से 8th क्लास तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने जिसके बारे में बात किया कि B.Ed जैसे कोर्स करने चाह रहे हैं, तो आप BA BSc जिसमें भी किया हुआ है, तो आपके मिनिमम 50% होना मैंडेटरी है. और आप B.Ed करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 तक B.Ed 1 year की थी, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 year प्रोग्राम लिखा हुआ है B.Ed में. और कुछ जगह क्या है कि ये ग्रेजुएशन के साथ में ही प्रोग्राम B.Ed का दिया जाता है, जैसे कि BSc B.Ed, तो वो एक जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं वो कोर्सेज, पर कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ इस तरह का प्रोग्राम चलाती हैं. और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आप अगर टेट का एग्ज़ाम, CTET का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, टीचर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दिस अ काइंड ऑफ अ टेस्ट, ठीक है. और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है. मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, ये जो ट्यूटोरियल्स आपको टीचर से रिलेटेड आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल पा रहे हैं, ये VIPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हैं. और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, कोई भी करियर से रिलेटेड काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमारे 3 centers हैं दिल्ली में, आप किसी भी सेंटर पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं. और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमारे ही कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, उसे मैंशन है. जैसे आप देख रहे हैं कि एक टीचर असेसमेंट का प्रोसेस भी NCTE ने निकाला है कि रैंक दी जाएगी अब टीचर्स को, कि उनका क्वालिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंगली अब जो ग्रेडिंग मैट्रिक्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली कितना सूटेबल है. सो उसके लिए कुछ उन्होंने पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं, ये दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, उनका टेस्टिंग नॉलेजेस हैं, दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ CTET भी एक टेस्टिंग नॉलेज चेक करता है. पर टीचर जैसे हमने बात करी, ये कंप्लीट पैकेज होता है, टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कितने निकल रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन द कॉलेज की परफॉर्मेंस, कितने बच्चे उसकी कॉलेज से CTET क्वालिफाई कर रहे हैं. तो कॉलेज के पैरामीटर्स को भी चेक किया जा रहा है, टीचर्स के पैरामीटर्स को भी चेक किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी जो दी जा रही है लर्निंग क्वालिटी, उसका आउटकम कितना आ रहा है, फिजिकल एसेट कितने आ रहे हैं, एकेडमिक एसेट कितने आ रहे हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कितने आ रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से एक प्रॉपर चेन है जो कि